हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं अपने चैनल सेहत और सौंदर्य पर महिलाओं से संबंधित समस्याओं का समाधान लेकर आती ही रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्यूबिक हेयर हटाना सही है या गलत। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, प्राइवेट पार्ट के अनचाहे बाल यानी कि प्यूबिक हेयर को हटाने के लिए वैक्सिंग, रेजर, हेयर रिमूवल क्रीम आदि का सहारा लेती हैं। भले ही इससे बाल निकल जाए, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि प्यूबिक हेयर हटाना कितना सही और कितना गलत होता है। तो फ्रेंड्स, दरअसल महिलाओं के जननांग खुले होते हैं जिन्हें बाल प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, मगर महिलाएं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्राइवेट पार्ट हेयर को रिमूव करवा देती हैं, लेकिन असल में प्यूबिक हेयर का हाइजीन से कोई कनेक्शन नहीं है। वहीं कुछ महिलाएं पार्टनर की प्रेफरेंस की वजह से भी प्यूबिक हेयर रिमूव करवाती हैं, लेकिन पुरुषों में यह धारणा कम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम सबसे पहले जान लेते हैं कि प्यूबिक हेयर हटवाने की अगर आप सोच रहे हैं तो पहले आप जान लें इसके नुकसान। तो प्यूबिक हेयर हटवाने का सबसे बड़ा नुकसान होता है कि इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। चूँकि वाल वेजाइना को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, इसलिए हटवाने से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और इससे योनि में बैक्टीरिया और जीवाणु आराम से प्रवेश कर सकता है। वहीं बाल हटाने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है वो भी संक्रमण की संभावना को बढ़ाते ही हैं। और इसमें दूसरी समस्या आती है, खुजली की समस्या। प्राइवेट एरिया के अनचाहे बाल हटवाने से खुजली, जलन और रैशेज की समस्या हो सकती है। दरअसल हेयर रिमूवल क्रीम वेजाइना का पीएच लेवल बिगाड़ देती है, जिससे ड्राइनेस और खुजली हो सकती है। वहीं बालों की ग्रोथ दोबारा होने से भी महिलाओं को ये दिक्कत हो सकती है। और इसमें तीसरा नुकसान ये आता है कि इसके लिए महिलाएं रेजर, हार्ड केमिकल्स युक्त क्रीम का सहारा लेती हैं, जिससे घाव भी हो सकता है। वहीं प्राइवेट एरिया में पसीना जमने की वजह से भी घाव हो सकता है। और इसमें चौथा नुकसान, जननांग क्षेत्र के पास फोड़े भी हो सकते हैं। प्यूबिक हेयर हटाने वाले रेजर क्रीम से कुछ महिलाओं को एलर्जी और फोड़े भी निकल आते हैं, क्योंकि हर किसी कि स्किन एक जैसी नहीं होती। ऐसे में ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ें हर किसी को सूट करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने जाना कि प्यूबिक हेयर हटवाने से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अब आगे हम ये जान लेते हैं कि प्यूबिक हेयर हटाने का सही तरीका क्या है। तो इसमें सबसे पहली बात आती है कि अगर प्यूबिक हेयर हटाना ही चाहती हैं तो सबसे पहले वेजाइना व रेजर को अच्छी तरह से धोए और फिर बाल निकाले, ताकि कोई संक्रमण ना हो। साथ ही एक ही रेजर का बार बार इस्तेमाल ना करें। इसमें दूसरी बात आती है कि प्राइवेट पार्ट के बाल रिमूव करते समय हमेशा शीशा पास रखें, ताकि आप उन्हें आसानी से देखकर हटा पाए। और इसमें तीसरी बात आती है कि बाल क्लीन करने के बाद मॉइस्चराइजर लगाना ना भूले, इससे स्किन इरिटेशन और प्राइवेट एरिया में ड्राइनेस नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जाना कि प्यूबिक हेयर हटाना सही है या गलत है और इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। आई होप वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा और इसी तरह की जानकारी से भरपूर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर दे, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।